subscribe and click the bell icon for television updates. लेकिन सेंटा फॉर माई नीस, उनके लिए मैं कई बार बन जाता था. बहुत अच्छा डेकोरेशन किया है एंड इट्स ह्यूज ऑल्सो. आई डोंट आस्क माई डैड क्योंकि उनसे बहुत डर लगता है. आया वाया मदर या सिस्टर के थ्रू जाके उनसे मांग लेता हूँ. फैमिली कहीं बाहर नहीं जाने देती थी, बोलते थे बाहर नहीं जाना बिगड़ जाओगे. मैं बस चल रहा हूँ, कुछ चीज़ें चल रही हैं अभी तो उसी की तैयारी चल रही है. इसलिए मैं थोड़ा सा पीछे भी यंग लुक थोड़ा सा तो मैं शूट से आया हूँ एक्चुअली. बट चीज़ें चल रही हैं तो इन प्रोसेस थिंग्स आर गोइंग ऑन. और अपने आप को अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है फ्रॉम बिग बॉस हाउस. तो या इट्स गोइंग गुड, इट्स गोइंग वेल. या क्रिसमस का सेलिब्रेशन है, पीछे आपका एक बंगला रखा हुआ यहाँ पे, ट्री है, क्या कहेंगे, कैसे लग रहा है आपको? यार बहुत बहुत सुंदर बनाया है इन्होंने एक्चुअली. ये आप अगर देखेंगे ट्री लाइट जो है ये बहुत ही सुंदर है. इसमें गिफ्ट्स भी हैं और बहुत अच्छा डेकोरेशन किया है एंड इट्स ह्यूज ऑल्सो. और इट्स वेरी 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 नाइस यार. और वो जो पीछे उन्होंने जिंजर वो हाउस बनाया, जिंजर ब्रेड हाउस बनाया, बहुत ही सुंदर है वो भी. मैंने सुना उसको 14 दिन लग गए बनने में और बहुत मेहनत है यार. मतलब देखने में तो ऐसा नॉर्मल सा लगता है कि बन जाएगा 1-2 दिन में, बट 14 दिन लगे हैं. तो इट्स वेरी क्रिएटिव एंड वेरी नाइस. आई थिंक पीपल आर डूइंग गुड जॉब इन इंडिया यार. मैं एक्चुअली पसंद करता हूँ, जैसे मैं बचपन में करता था अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के अवार्ड फंक्शंस देखता था मैं बैठ के, या कोई ना कोई इवेंट जो आते थे न्यू ईयर के वो देखते थे. लेकिन उस टाइम पे वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता था क्योंकि फैमिली कहीं बाहर नहीं जाने देती थी, बोलते थे बाहर नहीं जाना बिगड़ जाओगे. और अब क्या है कि अब टाइम नहीं है फैमिली के साथ इन्जॉय करने का क्योंकि इवेंट्स आ जाते हैं, काम होता है. तो अभी भी मैं 25th and 31st आई एम बिजी विद द इवेंट्स. तो बीच में शूट्स भी हैं. तो आई थिंक आई एम गोइंग टू दिल्ली. तो आई थिंक आई विल स्पेंड सम टाइम विद फैमिली और मैं कोशिश करूँगा थोड़ी देर बैठूँ और मैं बैठ के अवार्ड फंक्शन देखूँ एंड यू नो रिवाइव दोस काइंड ऑफ अ मूवमेंट. या इट्स ऑलवेज फन. पीछे आपके सांता है तो उसके थ्रू लाइक आप कभी किसी के लिए सांता बने या फिर आपके लिए कोई बन के गिफ्ट रख लो, क्या शेयर करना चाहेंगे? यार मैं कभी सेंटा, आई थिंक आई बिकेम सेंटा फॉर माई नीस. अभी वो 7 साल की हो गई और उनके लिए मैं कई बार बन जाता था जब मैं कनाडा में था. तो उनको गिफ्ट्स वगैरह देना या फॉर माई सिस्टर ऑल्सो, शी लव्स प्रेजेंट्स. मेरे लिए तो सेंटा बहुत लोग बने. आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल माई पेरेंट्स, दे द बिगेस्ट सेंटा ऑफ माई लाइफ और आज तक जो भी मांगा उन्होंने ही दिया. और प्लस माई सिस्टर एंड या दीज आर द पीपल ऑफ माई लाइफ. सेंटा जिनसे जो मैं मांग लेता हूँ दे देते हैं. आई डोंट आस्क माई डैड क्योंकि उनसे बहुत डर लगता है मुझे. तो मैं अपनी वाया मदर या सिस्टर के थ्रू जाके उनसे मांग लेता हूँ. वो बता देते हैं, मेरा मैसेज कन्वे कर देते हैं सेंटा को. तो सेंटा फिर मुझे दे देते हैं. इस बार के रेजोल्यूशंस क्या है आपके? इस बार का कोई रेजोल्यूशन नहीं, इस बार का सिर्फ रेजोल्यूशन यही है एज यूजुअल कि स्टे फिट एंड वर्क 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 एंड मोर वर्क एंड ऑलवेज ट्राई टू डू समथिंग बेटर इन लाइफ टू मेक फैंस प्राउड, माई पेरेंट्स प्राउड. और अभी तक किया ही है और आगे इंशाल्लाह और करेंगे. तो बस यही रेजोल्यूशन होता है और तो कुछ नहीं.